आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज फिरोजाबाद जनपद के विकासखंड मदनपुर के कटफोरी के ग्राम प्रधान श्री हेमंत प्रताप जी से की खास मुलाकात। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी व अन्य आर्थिक सहायता दिलवाने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्र, किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे आदि सभी वर्गों का विकास कार्य करवाया गया था। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। आप देख रहे हैं न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं, आज जो हमारे बीच उपस्थित है वो किसी परिचय के परिचयदाता नहीं है, यहाँ कटपुरी में आए हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है हेमंत प्रताप सिंह बघेल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी आए और समय निकाला। हेमंत जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको कटपुरी ग्राम पंचायत की जनता ने जो आपके साथ जुड़ाव रहा है उसी के साथ आपको ग्राम प्रधान भी बनाया है। सर्वप्रथम आप हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्राम पंचायत वासियों को, क्षेत्र पंचायत वासियों को आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? मैं कटपुरी ग्राम पंचायत की समस्त मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने जो प्यार, स्नेह, सम्मान मेरे को दिया पंचायत चुनाव में, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका व्यक्त करना चाहता हूँ। हेमंत जी, पंचायत स्तर से स्टार्ट करते हैं। सर, आपने अभी रिसेंटली कौन कौन से, जब से आप प्रधान बने हैं अभी 7 से 8 महीने में, आपने कौन कौन से वर्क करवाए हैं जिससे जनता को जो आभार के रूप में आपने व्यक्त किया? देखिए, कटपुरी ग्राम पंचायत में जो मेरी प्रधानी अभी 7 से 8 महीने जो आपने समय बताया, उसमें कटपुरी ग्राम पंचायत घर जो कि अभी आप नया जो बना है उसका कार्य हुआ है। गाँव में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं और आपकी सीसी पड़ी है नई और जो है आपके 15 से 16 रीबोर्ड जो होते हैं नल वो हुए हैं और मनरेगा में भी तमाम कार्य हुए हैं जिसमें तमाम चक रोड या फिर तमाम कार्य जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं वो करे गए। हेमंत जी, आप बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि इलेक्शन 2022 की जो बेला चल रही थी आपके जनपद में, आप 20 फरवरी को जो वोटिंग थी उससे 20 फरवरी से पहले आप विधानसभा में जाकर जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे थे, आप क्योंकि प्रधानी तक सीमित नहीं, आप राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय रहते, आपसे हम ये जानना चाह रहे जनता की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी जिनको लेकर जनता को आपने बताया जिससे जनता ने आपकी पार्टी को वोट किया हो? देखिए, तमाम मुद्दे थे जनता के, जैसे कि सांड के मुद्दे हों, जो छोटा पशु हैं उनके हों, या फिर डीएपी की जो शॉर्टेज हुई, यूरिया की शॉर्टेज हुई, ऐसे तमाम कार्य मुद्दे थे जो कि चाहे वो युवाओं के बीच में रोजगार के मुद्दे हों, भर्ती जो कंप्लीट नहीं हुई सरकार में, पेपर निकलते हैं लेकिन लीक होके कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे तमाम मुद्दे थे जो जनता के बीच में थे जिसका परिणाम उन्होंने 20 फरवरी को अपना वोट डाल के मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से दे दिया। हेमंत जी, आप किसानों का जिक्र कर रहे थे, सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष का ये दावा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और हो गई भी है। सर, आप किसानों के मत रहते हैं, आपसे हम सर ये जानना चाह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं? इसी हिसाब से आपने देखा हो केंद्र और राज्य सरकार ने पीएम सम्मान निधि हो, चाहे वो आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान प्रयोग पोस्ट राशन वितरण हो, रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया, और आपने सर देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों पर जमा किया था। आपसे सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? मैं नहीं समझता हुई है, अगर हुई भी है तो केवल कागजों में हुई है, लेकिन धरातल पर मैं नहीं समझता हुई है जी। क्योंकि किसान आज भी उसी परेशानियों से जूझ रहा है, अगर आय दोगुनी हो रही होती तो डीएपी की व्यवस्था वो अगर सरकार कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट दुकानों से ले सकता था, लेकिन जब उनके पास साधन ही नहीं है लेने का तो मैं नहीं समझता कि वो हुई है, और अगर हुई भी है तो केवल पेपरों में हुई है। राशन की आप बात कर रहे थे, राशन जितना आपको 5 किलो या 10 किलो जो भी दिया जाता है उसके बदले में 5 क्विंटल या 10 क्विंटल आपसे ले लिया जाता है छोटे सांडों के जरिए, तो ये वही है कि आपको एक हाथ से ले लिया और दूसरे हाथ से आपसे 2 गुना नहीं 10 गुना ले लिया। सर, यदि आपकी पार्टी 10 मार्च को सत्ता में आती है तब आप किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कैसे करें, किन किन माध्यमों से? देखिए, किसानों की आय दोगुनी तब होगी जब उसको उसकी फसल का सही रेट मिलेगा, अगर उसको सही एमएसपी मिलेगी या फिर उसको मंडी तक पहुंचने के साधन उसके उसके पास होंगे, या फिर मंडियों में ऐसी आड़तियों पर ऐसी व्यवस्था होगी या फिर
फसल में कुछ सब्सिडी हो, ऐसे तमाम कारण हैं, तो ऑटोमेटिकली किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। ये केवल कहने से नहीं होगा दोगुनी, जी। ये ऐसे तमाम बिंदुओं पर जब सरकार काम करेगी तो वो और दोगुनी होगी। उसको MSP मिले, या फिर खाद, या फिर जो फर्टिलाइजर लगते हैं उनमें कुछ छूट मिले, और जो उसको बीज मिलता है, चाहे वो DHO विभाग से या फिर कोल्ड स्टोर में से आलू का बीज मिलता है सरकारी कोल्ड में, उसमें कुछ राहत मिले, तो ऑटोमेटिकली जब इन सब चीज़ों से राहत आप जोड़े देखेंगे तो उन सबको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली उसकी आय में वृद्धि होगी, मैं सोचता हूँ। सर जो अभी आप जिक्र कर रहे थे युवाओं, सर आपसे ये जानना चाह रहे, अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। सर आप युवा भी शिक्षित भी और स्कूल भी चलाते हैं, आप अभी जिक्र कर रहे थे। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे, आपने देखा होगा अपने यहाँ जो कोविड महामारी है उस दौरान क्या भारत और राज्य सरकार ने 10th 12th जो भी स्टूडेंट थे डिप्लोमाधारी जो ऑल स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था। सर आपसे हम सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए थे इनके जो आगामी भविष्य में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ये लोग क्या क्रैक 100% कर पाएंगे या नहीं? मैं नहीं समझता कर पाएंगे, और जो करने वाले या फिर जिनने मेहनत करी थी उनको भी उतने ही मार्क्स मिल गए, और जिनने बिल्कुल नहीं करे थे उनको भी उतने ही मार्क्स मिल गए। तो सरकार को अगर प्रमोट करना ही था तो कोई एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी थी जिसमें बच्चों का थोड़ा माइंड स्किल या फिर उनकी जो प्रिपरेशन है उनका बेस मजबूत है कि नहीं है, उनको टेस्ट करके तब प्रमोट करना था। और शिक्षा की जो आज के समय में जो स्थिति है मैं नहीं समझता वो अच्छी है, या फिर एक दूर के लिए अच्छा उसका रिजल्ट मिल गया है, मैं नहीं समझता। सर क्या बताने का आप प्रयास करेंगे 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जनता जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप अपनी पार्टी को किस जगह आह्वान कर रहे हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जी और माननीय प्रोफेसर श्री रामगोपाल यादव जी, जी उनके नेतृत्व में एक बहुत प्रचंड बहुमत से 300+ सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की, मैं समझता हूँ। फिरोजाबाद की पूरी लोकसभा में, 5 विधानसभाओं में पूरी 5 विधानसभा की सीटें निकलेंगी सपा सरकार की, समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीते। सर जो आप आपसे पंचायत स्तर से एक क्वेश्चन और कर लेते, सर आपसे ये जानना चाह रहे यदि आपकी पार्टी 10 मार्च 2022 को सत्ता में आती है तो पंचायत स्तर पर आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, आपने कुछ सोच रखा है? पंचायत स्तर पर जब सवाल सरकार आएगी तो मैं, जैसे हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रोफेसर साहब हैं, उनसे मैं या फिर जो भी जिम्मेदार वो होंगे उनसे मैं तमाम कार्य ले सकते हैं हम लोग, चाहे वो खेल का मैदान हो, या फिर जो प्राइमरी स्कूल अभी कटपुरी में है वो हिंदी मीडियम है, तो मैं चाहूँगा कि उसको इंग्लिश मीडियम हो, और उसको और सुचारू रूप से कैसे व्यवस्था कर सकते हैं उसके लिए युवाओं, वो भी युवाओं का वो विकास हो, और तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो सरकार में ऑटोमेटिकली लागू होंगी, और उसके लिए मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी कर पाएगी और कोई सरकार नहीं कर पाएगी। हेमंत जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ दिनों में अभी होली का पावन पर्व आ रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत वासियों क्षेत्र पंचायत वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं रंगों के इस पर्व पर, मैं समझता हूँ कि उनका ये त्यौहार और हर्षोल्लास से आने वाले समय में व्यतीत हो, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे हेमंत प्रताप सिंह प्रधान जी, उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी।